लाइट कैमरा एक्शन। सो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वेलकम बैक टू वरिया वंस अगेन। लास्ट वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो हेलमेट था इसको हमने वाइट तो बना दिया था इसके ऊपर जो भी करके, ये आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में तो आई जाना है। दिस टाइम अभी हम क्या करेंगे, इस हेलमेट पे स्पाइडरमैन के स्ट्राइप्स लगाएंगे एंड देन उसका इसको ब्लैक पेंट करेंगे। तो हम बना रहे एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट वेरिएंट टाइप वाला जो स्पाइडरमैन था। रेड भी कर सकते थे लेकिन रेड क्या है ना, काफी वाइब्रेंट हो जाएगा और बहुत दूर से विजिबल रहेगा, इसलिए अवॉइड कर दिया। बाइक पे भी वैसे सूट नहीं करेगा थोड़ा, अनटिल अनलेस आपकी रेड बाइक नहीं है। तो फाइनली हम लोग ये जो टेप, आप जो पतली से टेप देख रहे हैं, इसको हम लोग लगाएंगे। इसमें एक स्ट्राइप जाएगा ऐसे वन, फिर यहाँ से लेना आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फाइनल जो है ये मिड में। पहले आप इसको लगा लें एक बार एंड देन उसके बाद फिर इसके साइड के पोर्शन जो है उसको फिर कवर करेंगे। पहले इसको यहाँ लगाते हैं क्योंकि ये हमें पता है कि ये इसका मिड ही है। टेक योर टाइम इन डूइंग दिस बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका ये कलर उतना अच्छा नहीं हुआ जैसे मेरा नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ अच्छे से बिकॉज दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसके बाद ब्लैक पेंट ही तो करना है बस। एक ही है कि और भी है? ठीक है। एक टकले पो एक लाइन आ गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक थोड़ा ठीक ठाक जॉब कर लिया यहाँ पे। ये हमने सबसे पहले लिया था बीच का स्ट्राइप जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने इसका पोर्शन बीच का मार के यहाँ से हमें लेना था। इसके अकॉर्डिंग हमने ये और ये तीन लिए और उसके बाद भी यहाँ पे तीन लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हमारा ये जो हेलमेट है ये काफ़ी हद तक हो चुका है, एक तरफ का पार्ट हो गया और काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ी बहुत इसमें कमियाँ हैं बट वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे कमियाँ मैं आपको कहता ना, वो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए देना बिकॉज ये देख रहे यहाँ से गैप ज़्यादा और यहाँ से कम हो गया, तो मुझे ये वाला पोर्शन अब यहाँ पे लाना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और अब इसके आगे हम करेंगे स्पाइडरमैन लुक देने के लिए, हमने ये तो कर दिया है, अब ऐसे करना है। वो देखो पेंसिल आ गई है गाइस, ये फनी मोमेंट है इसलिए कृपया मुझे लाइक मत कीजिए, ओके, और मेरे चैनल पे भी मत जाइए, ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। ये तो डर है कि गाइस से पहले भालने वाला सुन लेगा तुम्हारी आवाज। सुनने तो डर लगाया क्या? डर लगता है अपने पापा जी से और किसी से नहीं लगता। लगता तो बहुत तगड़ा लगता है, नहीं तो नहीं लगता है ना, सही बात है ना गाइस? सही बात है। तो गाइस फाइनली अब हमारा ये जो हेलमेट है ये आप देख सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ लुक ग्रेट सिनेमैटिक 120 FPS। मैं कह सकता हूँ कि अभी जो हेलमेट है ये काफ़ी कूल लग रहा है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय आवर स्किल्स, मैं मेरी स्किल्स और बॉयज के स्किल्स, बिकॉज बिना उनके हेल्प के ये हेलमेट नहीं बन पाता। मेरा नाम बोलिए बॉयज, मेरा भी निकल तो दिखाते ना। ये देख लो गाइस, इन्होंने भी हमारी हेल्प की है। तो फाइनली अब हम इसको पेंट करने जा रहे हैं, देखते हैं आफ्टर रिजल्ट्स कैसे आते हैं। वैसे उम्मीदें तो काफ़ी बढ़ गई हैं, पहले मेरी थोड़ी कम हो गई थी जब वाइट पेंट अच्छा नहीं हुआ था। लेट्स बिगिन दिस गेम। एज यू कैन सी कि अपना फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है, इट्स गोइंग ग्रेट टिल नाउ। बाकी सेकंड लेयर में देखते हैं, इस बार थोड़ा स्प्रे पेंट भी अच्छा हुआ। दूसरी बार स्प्रे कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पे सीन बस इतना सा है कि ये हमने फाइनली इसका सेकंड कोट भी मार दिया है। इसमें स्प्रे पेंट मेरे को लगता है ब्लैक काफी अच्छा स्प्रे पेंट रहा है। इसको लगभग हम एक घंटे के लिए अभी सूखने के लिए छोड़ देंगे, एक घंटा अप्रॉक्स। उसके बाद इसमें जो हमने टेपिंग की थी, जो भी स्ट्राइप्स लगाए थे, इसको उतारेंगे एंड देन देखते हैं फाइनल लुक कैसा आया। पूरा दिखाई देंगे, आज ही दिखा देंगे सारी। हुर्रे! जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत बेहतर तो नहीं हुआ है लेकिन ठीक है, ओके टाइप हुआ है। अब मैं इसको पूरा टच नहीं कर सकता बिकॉज ये प्रॉपरली भी नहीं सूखा है। इसको तकरीबन अभी आधा घंटा या 40 मिनट ही हुए हैं, तो
तो मैं टेप पहले उतार दे रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, टेप हमें थोड़ा और पहले उतार देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से अगर आप देख सकें तो मैं दिखा देता हूँ। ये तो पोर्शंस आप देख रहे हैं, ये चिपका हुआ रह गया, तो इट विल टेक सम टाइम और थोड़ी और मेहनत लगेगी इसको निकालने में, बट स्टिल अच्छा है। अरे भैया वो उतार रहे हैं टेप, ये गलत भी हो रहा है ठीक भी हो रहा है। स्पाइडरमैन लुक तो आ रहा है भाई, यही हो रहा है, कोई टेपिंग अच्छे से नहीं उखड़ रही, ये हो गया। गाइस झूठ तो बोलते नहीं हम, इसलिए सच बोल रहे हैं, सही बना है। बीच में थोड़ा कुछ हुआ है जो हम दिखाते हैं आपको, जैसे देखो यहाँ बहुत जगह तो ये हो गया, इसको हम जैसे तैसे कर देंगे, एक यहाँ से टेप नहीं खड़ रही, टेप खड़ रही है तो पूरा ख़राब हो जा रहा है। ये हुआ है एकदम, लाइन अच्छी है, आगे से लुक आ रहा है स्पाइडरमैन का। फाइनली आपका हेलमेट रेडी हो चुका है और ये आप देख सकते हैं, प्रॉपर स्पाइडरमैन तो नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही बन गया, लेकिन लुक थोड़ा बहुत स्पाइडरमैन जैसा लग भी रहा है। मैं यहाँ पे एक मकड़ा बना के डाल देता ना स्पाइडर वाला, तो काफ़ी कूल लगता, नहीं भी शायद। और स्टिल मैं अगर आपको एक चीज़ें दिखाऊँ, ये जो पोर्शंस आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो है ना टेप अच्छा नहीं था, जो हमने यूज़ किया वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। टिल देन गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, तब तक ले बाय, टेक केयर, बी काइंड, बी सेफ एंड हैप्पी। और सर हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, पीस आउट गाइस, बाय।